हम पढ़ेंगे कक्षा दस हिंदी कोर्स बी के व्याकरण पाठ्यक्रम से समास। समास आइए सबसे पहले देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं इसे हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं दो शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं जैसे उदाहरण देखते हैं जेब जमा घड़ी बराबर है जेब घड़ी और इस प्रकार बने शब्द को समस्त पद कहते हैं जेब और घड़ी दोनों को मिलाकर जो शब्द बना जेब घड़ी उसे हम समस्त पद कहेंगे समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं आइए उदाहरण देखते हैं समस्त पद है डाकघर। इसका पूर्व पद होगा डाक उत्तर पद होगा घर और इसका समास विग्रह होगा डाक का घर समस्त पद के शब्दों को अलग करना और अलग करते हुए उनका संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है विग्रह का अर्थ यह है अलग करना तो समस्त पद में दो शब्द होते हैं उन दोनों शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया है जब वो अलग हो जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं उदाहरण देखते हैं समस्त पद है तुलसी कृत इसमें पूर्व पद होगा तुलसी और उत्तर पद होगा कृत इसका समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत आइए एक और उदाहरण देखते हैं समस्त पद है कमल नयन इसमें पूर्व पद है कमल और उत्तर पद है नयन इसका समास विग्रह होगा कमल जैसे नयन आइए अब देखते हैं कि समास कितने प्रकार के हैं समास के छह भेद हैं पहला तत्पुरुष समास दूसरा द्वंद्व समास तीसरा द्विगु समास चौथा कर्मधार्य समास पांचवा बहुब्री समास छठा और अंतिम अव्यय भाव समास तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि समस्त पद में दो पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद दूसरा पद का अर्थ है उत्तर पद इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है इस समास में समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह लगा दिया जाता है और समस्त पद बनाते समय दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है लोप हो जाता है अर्थात उन कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है आइए उदाहरण देखते हैं जन्म रोगी जन्म से रोगी जन्म रोगी समस्त पद है अब इसका विग्रह करते हुए हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारक चिन्ह लगा दिया जाता है जन्म पूर्व पद है और रोगी उत्तर पद है इन दोनों के बीच कारक चिन्ह लगा दिया गया है स्वर्ग को प्राप्त अब पूर्व पद है स्वर्ग उत्तर पद है प्राप्त इन दोनों के बीच कारक चिन्ह लगा हुआ है जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा लोप हो जाएगा अर्थात कारक चिन्ह को हटा दिया जाएगा इसका समस्त पद बनेगा स्वर्ग प्राप्त इसी प्रकार समस्त पद है डाक गाड़ी इसका विग्रह करते हुए पूर्व पद और उत्तर पद पूर्व पद डाक और उत्तर पद गाड़ी के बीच कारक चिन्ह लगा दिया जाएगा तब इसका समास विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी इसी प्रकार देश का वासी देशवासी यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप कर दिया गया है और इसका समस्त पद बन गया है देशवासी आप बीती आप पर बीती आप पूर्व पद है बीती उत्तर पद है इन दोनों के बीच कारक चिन्ह लगा दिया गया है दूसरा समास है द्वंद्व समास द्वंद्व समास की पहचान है कि इसके समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह लगा होता है योजक चिन्ह इसकी पहचान है इसमें दोनों पद समान होते हैं दोनों ही पद प्रधान होते हैं क्योंकि दोनों पद समान होते हैं इसलिए दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें समस्त पद का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच या और तथा अथवा जैसे योजक शब्द लगा दिए जाते हैं और समस्त पद बनाते समय दो शब्दों को मिलाने वाले योजकों का लोप हो जाता है लोप अर्थात उन्हें हटा दिया जाता है आइए उदाहरण देखते हैं माता पिता यह समस्त पद है इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका विग्रह करते हुए इस योजक चिन्ह को हटाकर योजक शब्द लगा दिया गया है माता और पिता इसी प्रकार रात और दिन रात पूर्व पद है दिन उत्तर पद है दोनों के बीच योजक शब्द लगा हुआ है जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो इस योजक शब्द को हटाकर योजक चिन्ह लगा दिया जाएगा जैसे रात दिन रात दिन के बीच योजक चिन्ह लगा दिया गया है इसी प्रकार ठंडा गर्म अब इसमें भी ये समस्त पद है और इसमें इसका विग्रह करते हुए योजक चिन्ह को हटाकर योजक शब्द लगा दिया जाएगा ठंडा और गर्म इसी प्रकार दाल और चावल दाल चावल पूर्व पश्चिम पूर्व पूर्व और पश्चिम तीसरा है द्विगु समास इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है दूसरा पद प्रधान होता है उदाहरण देखते हैं पंचवटी वटी पांच वटों का समूह अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है शताब्दी शत का अर्थ है सौ शत अब्दों का समूह सौ वर्षों का समूह चौराहा चार राहों का समूह दोपहर दोपहर का समूह चार पाई चार पैरों का समूह इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि पहला पद संख्यावाची है पांच शत चार दो चार क्योंकि इनका पहला पद संख्यावाची है इसलिए ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौथा समास है समास इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है अब इस समाज को समझने के लिए हमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय को भी समझना होगा उपमेय जिसकी तुलना की जाए उपमान जिससे तुलना की जाए उदाहरण देखते हैं घन श्याम घन के समान श्याम इस उदाहरण में उपमेय है श्याम यहाँ हम पढ़ चुके हैं जिसकी तुलना की जाए तो यहाँ शाम की तुलना की जा रही है और किससे की जा रही है घन से की जा रही है तो घन उपमान होगा और श्याम उपमेय है अब यहां हमने पढ़ा था विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो देखते हैं कि विशेषण क्या है विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं उदाहरण देखते हैं नील गाय नीली है जो गाय इसमें विशेषण है नीली और विशेष्य है गाय अब इसके अन्य उदाहरण देखते हैं नीलांबर नीला है जो अंबर पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है जो श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर चंद्रमुख चंद्र के समान मुख मुख चंद्र मुख रूपी चंद्र अब आप इसकी विशेषता देख सकते हैं कि कर्मधारय समास में जब हम विग्रह करते हैं समस्त पदों का तो उसमें जो के समान और रूपी आदि शब्दों का प्रयोग होता है विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध बताने के लिए पांचवा है बहुब्री समास इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता अपितु कोई अन्य पद प्रधान होता है और इसका अर्थ है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान नहीं होते अपितु कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है इस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उदाहरण देखते हैं लंबोदर लंबा है उधर जिसका अब इसका विग्रह तो है इस शब्द का इस समस्त पद का विग्रह है लंबा है उधर जिसका और यह किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है अर्थात गणेश की ओर तो हम ये जो अन्य पद लिखेंगे तीसरा पद या तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर इसे अर्थात के द्वारा भी लिख सकते हैं लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश दशानन दस है आनंद जिसके अर्थात रावण या उसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं महात्मा महान है आत्मा जिसकी व्यक्ति विशेष चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण अष्टाध्यायी आठ अध्यायों वाला अर्थात पाणिनि का व्याकरण छठा है अव्ययी भाव समास अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है उसका अर्थ भी प्रधान होता है इस पद का समस्त पद भी अव्यय होता है अव्यय का अर्थ देखेंगे यह समस्त पद लिंग कारक वचन की दृष्टि से नहीं बदलता इस समाज के समस्त पद में कभी कभी एक शब्द दो बार भी आ जाता है उदाहरण देखते हैं यथाशक्ति शक्ति के अनुसार यथा नियम नियम के अनुसार भर पेट पेट भरकर रातों रात रात ही रात में हाथों हाथ हाथ ही हाथ में अब यहां पर भी योजक चिन्ह है तो इस योजक चिन्ह को देखकर इसे द्वंद्व समास मान लेने की गलती नहीं करनी है द्विगु समास और बहुब्री समास में अंतर कभी कभी एक ही शब्द एक ही समस्त पद द्विगु समाज भी हो सकता है उसमें और उसमें बहुभ्री समाज भी हो सकता है तो इसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है द्विगु इसका पहला पद संख्यावाची होता है यह हम पहले पढ़ चुके हैं बहुब्रीह समास इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष पद की ओर संकेत करते हैं अब इसका उदाहरण देखते हैं चतुर्भुज चतुर्भुज में द्विगु समास भी है और बहुब्रीह समास भी है इसका अगर द्विगु समास के अनुसार इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा चार भुजाओं का समूह और अगर बहुव्रीहि समास के अनुसार विग्रह करेंगे तो होगा चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु तो प्रश्न पत्र में जब इस प्रकार के शब्द आए तो उनका समास विग्रह है और समास का नाम बहुत ध्यानपूर्वक लिखना है अगर हम लिखते हैं चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु और समास का नाम लिख देते हैं द्विगु तो यह गलत होगा और इसमें हमें जीरो शून्य अंक मिलेंगे दूसरा उदाहरण है त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह द्विगु समास तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, समास। आठ अध्यायों का समूह द्विगु समास आठ अध्याय हैं जिसके अर्थात पाणिनी का व्याकरण बहुब्री समास ध्यान रखने योग्य बात यह है कि द्विगु समास में हम समूह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही यह है इसका पहला पहला पद अर्थात पूर्व पद जो है वह संख्यावाची होगा और बहुव्रीहि समाज में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद जो हैं वो दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं इसी प्रकार कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में भी अंतर हमें देखना होगा कर्म समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है बहुब्री समास इसके दोनों पद मिलकर किसी विशेष पद की ओर संकेत करते हैं अब इसके उदाहरण देखते हैं पीताम्बर यह समस्त पद जो है इसमें कर्मधारे समास भी है और इसमें बहुब्री समास भी है अगर हम इसका कर्मधारे समास के अनुसार इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा पीत है जो अंबर और बहुब्री समास के अनुसार इसका विग्रह करेंगे तो पीत है अम्बर जिनके अर्थात श्री कृष्ण इसी प्रकार नीलकंठ नीला है जो कंठ कर्णधारे समास है इसमें नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव बहुब्री समास घन श्याम घन के समान श्याम कर्णधारे समास घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण बहुब्री समास आइए अब देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में समाज से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न आते हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समाज का नाम बताइए नीचे कुछ समस्त पद दिए होंगे आपको उनका विग्रह करना होगा और समाज का नाम भी बताना होगा जैसे राजपुत्र धर्म भ्रष्ट नीलकंठ राह खर्च अन्न जल कर कमल ये सभी समस्त पद हैं और इन सभी का विग्रह करके आपको समाज का नाम भी बताना होगा दूसरे प्रकार का प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है निम्नलिखित के समस्त पद बनाइए तथा समाज का नाम लिखिए रात ही रात में नियम के अनुसार तीन वेणियों का समूह सत है जो धर्म गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश रसोई के लिए घर इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपको इनके सबके समस्त पद बनाने होंगे और समाज का नाम भी लिखना होगा तो आप समझ चुके होंगे कि समाज किसे कहते हैं समाज विग्रह है किसे कहते हैं और समाज विग्रह कैसे किया जा सकता है समाज के कितने भेद हैं परीक्षा में समाज से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें